देखिए, शिक्षा पहले ये कही जाती थी कि समाज का सहयोग, जो अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा, तो समाज के सहयोग से अगर ऐसे बनता रहेगा तो क्या लगता है आपको कि देश का फिर कितना भला हो सकता है सर, कितना अच्छा? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि हम केवल सरकार पर निर्भर न रहें। कई बार हमारी मानसिकता होती है कि ये तो सरकार का कार्य है, ये तो गवर्नमेंट को करना चाहिए, स्कूल चलाना चाहिए, हमारे देश में 100% लिटरेसी होनी चाहिए। तो मेरा एक मानना है कि हम सरकार भी तो हमारी ही है, किसी और की तो नहीं है, हमने ही चुना है सरकार, हम ही हर 5 साल पे चुनते हैं। तो केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, हम सबके पास जितना सामर्थ्य है, चाहे वो समय हम दे सकें समय दें, चाहे हम खुद आके कुछ काम कर सकें या हम धन दे सकें, जिस भी रूप में दे सकें हमको देना चाहिए। अभी आहिस्ता आहिस्ता हम लोग अंदर देखते हैं कि आज जो ये बिल्डिंग बनी है और इस बिल्डिंग में सहयोग चूंकि समाज का है, तो शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है सर, मैं आपसे जानना चाहूँ, चूंकि आप सर IIT के सर डायरेक्टर हैं। शिक्षा का उद्देश्य जो है, हमारे जो देश के नागरिक हैं वो नागरिक अच्छी तरह से सोच समझ सकें और अच्छी तरह से हमारी जो इकॉनमी है उसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर सकें। जैसे अर्थव्यवस्था होती है, उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए कोई बिजनेस करता है, कोई पढ़ाता है, कोई रिसर्च करता है, कोई टेक्नोलॉजी बनाता है, कोई लॉयर होता है, वो बन के जो है अपने देश को और अपनी इकॉनमी को कंट्रीब्यूट कर सके, ये शिक्षा का उद्देश्य है। कई बार ऐसा होता है, बहुत से लोग ये कहते हैं कि शिक्षा का मतलब आपने पढ़ाई करो और जॉब कर लो। हाँ। तो ये कहाँ तक मतलब ठीक है कि सिर्फ शिक्षा का मतलब सिर्फ पढ़ाई करो और जॉब कर लो, बल्कि ऐसा भी तो होना चाहिए कि एक हमारे अंदर संस्कार बिल्डअप हो, वो भी तो शिक्षा का उद्देश्य है सर। हाँ, वो अपने आप स्वतः होता है। हाँ। उसके लिए शिक्षा की शायद आवश्यकता कम होती है, वो स्वतः होता है। इन लोग की फिर टीम को क्या कहना चाहेंगे सर, जो ये बिल्डिंग देना चाहूँगा, टीम को पूरी बधाई देना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि ऐसी चीज़ें आगे भी हों। तो आप सभी ने इस और जो कदम बढ़ाया है और इनिशिएटिव लिया है उसकी मैं सराहना करती हूँ और हम सभी मिलकर इस दिशा में और प्रयास करें, इसको और आगे लेकर जाएं, यही मेरी कामना भी है। धन्यवाद। थैंक यू। देवाश्रम को अगर सेवाश्रम बनाने का किसी को क्रेडिट जाता है, वो सीधा कमलेश चंद्रा साहब को जाता है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ इसमें, बहुत मेहनत करी है उन्होंने। ठीक है कि आपके विद्यालय में एक बिल्डिंग बनी है, सहयोग किसका किसका रहा, कितना रहा, कैसे रहा, ये बता सकते? मैं आपको बताती हूँ सर, ये हमारे पास केवल दो कमरे और एक बरामदा ही था, जैसे कि आप देख सकते हैं पुराने, उसमें ही हमारे 120 बच्चे के लगभग बैठते थे और एक कमरे में 2 क्लासेस चलती थी, तो बच्चे उतनी अच्छी से शिक्षा ले नहीं पाते थे, मुझे बड़ी तकलीफ होती थी। तो ईश्वर की कृपा से मैं प्रोफेसर कमलेश चंद्रा एंड नवनीत अरोड़ा सर के संपर्क में आई, जब मैंने इन्हें बताया तो इनको भी ये बात महसूस हुई कि हाँ सही मायने में बच्चों को शिक्षा प्राप्त नहीं हो पा रही है। मैंने इनसे अनुरोध किया, इन्होंने तुरंत मेरा अनुरोध मान लिया, एक क्षण भी नहीं लगाया, एक वाक्य चलो करते हैं और ये परिणाम आपके सामने हैं। इसमें प्रोफेसर कमलेश चंद्रा और श्री सतीश चंद्र वैश्य जो इरीगेशन के रिटायर्ड इंजीनियर हैं, इंजीनियर अनिल त्यागी जी और नवनीत सर, इनका तो सशरीर जो सहयोग है, तन मन धन और समय, समय सबसे बड़ी चीज़ है, उनसे इनका यहाँ पर पूरा सहयोग रहा और इनके साथ बहुत सारे लोग जुड़े, मैं पर्सनली सबको जानती नहीं हूँ, उन्हीं का ही, मैं किसी से कहती तो कुछ भी नहीं होता, उनके ही प्रभाव था कि इतने लोग उनके संग जुड़े और आपके सामने आज ये बिल्डिंग तैयार है। अगले सत्र में मेरे बच्चे अलग अलग कक्षाओं में बैठ के पढ़ेंगे, अच्छी शिक्षा प्राप्त। अभी अभी जो स्ट्रेंथ है वो कितनी, अभी स्ट्रेंथ कितनी है आपकी? 116। तो क्या उम्मीद करें कि इस बिल्डिंग के बन जाने के बाद कितनी? बिल्कुल सर, मैं तो अभी बच्चे लेती ही कम थी, क्योंकि इतने, आप सोचिए कि एक कमरे में 2 क्लास चलना, तो आप बच्चे कैसे मैनेज होंगे, मैं इसीलिए बच्चों को, कम बच्चों को लेती थी। तो सत्य धर्म बोध मिशन के द्वारा उसके सहयोग से आप जो है पूरा, आपकी, आपने पूरी भूमिका निभाई, सक्रिय भूमिका निभाई है, कोऑर्डिनेट किया है आपने हर एक चीज़, है ना, कंटिन्यूसली। हाँ, कितने टाइम में बना बेसिकली ये? करीबन 8 महीने लग गए इसको, पूरी बिल्डिंग को बनने में, पूरी बिल्डिंग को बनने में करीब 8 महीने लग गए, और पहले तो यहाँ फिलिंग का वर्क किया गया, करीब 2 फीट फिलिंग करनी पड़ी, 2 फीट फिलिंग करनी पड़ी, और उसके बाद जो है काम शुरू हुआ। और ये जो 2 मंजिला बिल्डिंग है, इसमें नीचे हमने जो सभा कक्ष बनाया है, इस पर्पज से बनाया है कि इसमें 100 बच्चे बैठ सकते हैं एक साथ, और हमें उम्मीद है कि ऐसे ही हर क्लास के लिए कक्षों की ज़रूरत पड़े। हमने क्या किया है कि बच्चों में लगाव हो शिक्षा के प्रति, और जब लगाव होगा तो वो ड्रॉप नहीं करेंगे बच्चे स्कूल से, और अभिभावकों को ये विश्वास होगा कि यहाँ अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छे संसाधन भी हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को यहाँ भेजेंगे। शिक्षा के लिए संसाधन की आवश्यकता तो होती होती है, अगर ऐसे ही लोग आते रहे और संसाधन देते रहे, व्यवस्थाएँ डेवलप करते रहे, तो मुझे लगता है शायद
तब शिक्षा जो है अच्छे लोगों को या सभी लोगों को मिल पाएगी। क्या लगता है? बच्चों के लिए बहुत अच्छी सुविधा हो जाएगी यदि सब लोग आगे आते रहें, क्योंकि सरकार जैसा हमारे डॉक्टर साहब ने भी कहा, क्योंकि सरकार सब कुछ नहीं कर सकती, हमको भी आगे आना होगा उसके लिए। और अगर हम सब लोग आगे आएंगे, जैसा नवनीत जी ने काफ़ी इसमें सारी लगभग मदद उन्हीं की तरफ से हुई, तो मैं चाहता हूँ सब लोग इसके लिए आगे आएं। आप पूरा सब कुछ मैनेज करते हैं सर, बेसिकली ये जो इच्छा जागी अंदर से, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है कि बहुत से लोगों के मन में ही इच्छा नहीं जगती है सर, इच्छा जो जगी वो कैसे, मतलब किस वजह से जगी? जिनके निमित्त आज ये गिफ्ट किया गया है, देवात्मा जिनका जन्मदिन है आज, उनका नाम श्री एस एन अग्निहोत्री था, जो IIT रुड़की के विद्यार्थी थे, उन्हीं की शिक्षाओं का असर है। उन्होंने एक गीत में एक लाइन लिखी है, वो सारगर्भित है, जो हमारा प्रेरणा स्रोत है, पर हित भाव हृदय उपजाओ, धर्म मार्ग की दिग तब जाओ। इफ़ यू वॉन्ट टू बिकम रिलीजियस, धार्मिक बनना है, तो सबसे पहले पर हित की बात, दूसरे की भलाई सोचो। अब भलाई के बहुत से क्षेत्र हो सकते हैं, चाहे खाना खिला दिया, पढ़ा दिया, किसी की धन से मदद कर दी, तो हम अलग अलग क्षेत्रों में मदद के कारण ढूंढते रहते हैं और उससे अपनी आत्मा की खुराक ढूंढते हैं, क्योंकि सेवा ही आत्मा की खुराक है। हम खुश होना चाहते हैं ज़िंदगी में, सब खुशी खुशी के पदार्थों में नहीं है, वस्तुओं में नहीं है, खुशी सेवा में है। तो ये प्रेरणा बचपन से मिली, देवात्मा जी की शिक्षाओं से मिली, और उन्हीं की निमित्त आज ये फिर ये बच्चों को गिफ्ट किया गया है, जिनसे सीखा उन्हीं की याद में बच्चों को दे दिया। शरीर की खुराक कुछ और होती है, मन की खुराक कुछ और होती है, आत्मा की खुराक जो है, आत्मा के लिए आपको सेवा करना पड़ेगा। और सेवा का ही एक प्रारूप हम देख रहे हैं यहाँ पर, कि जो बच्चे हैं, मतलब वही सेवा आपने की है, बिल्डिंग बनी, और बिल्डिंग बनने के बाद जो है बच्चों के अंदर भी उत्साह मुझे लगता है इससे बना होगा। और ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं कि बच्चों ने एग्जीबिशन एक तरीके से छोटा सा लगा दिया है सब कुछ, ये सभी जो है बच्चों के अंदर जो उत्साह आया, उसी उत्साह के बेसिस पर ये चीज़ बना है। कितना टाइम लगा ये बनाने में सर? ये कार्य हमने मई में शुरू किया था, और अभी जस्ट उद्घाटन से कुछ दिन पहले ही, दो चार दिन पहले समापन हुआ है। लगभग 6-7 महीने लगे हैं पूरी बिल्डिंग तैयार होने में। तो क्या हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि समाज में और भी जो लोग हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग भी आगे आएँ? मैं कह रहा हूँ कि आप सत्य धर्म बोध मिशन से जुड़े ना जुड़े, पर समाज से जरूर जुड़ जाइए। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं आप किसी संस्था में रहिए, लेकिन सेवा का काम कीजिए और काम शुरू कीजिए। इनिशिएशन इज डिफिकल्ट, शुरुआत ही मुश्किल है, सेवकर्ता आपके साथ अपने आप लोग आएंगे। अगर आप सिंसियर हैं, आपका पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है और आप ऑनेस्ट हैं, तो लोग आपको पहचानने लग जाते हैं और आपके साथ लगने लग जाते हैं। तो शुरुआत कीजिए, फाइनली आरंभ प्रचंड होना चाहिए तो बेहतर होगा। आपको एहसास कैसा हो रहा है सर? बहुत अच्छा हो रहा है जी, बहुत अच्छा हो रहा है। अगर इस तरह हैं आप तो डोनर हैं, इन्होंने काफ़ी योगदान किया आज के लोगों में। सर डोनर, बिना डोनर के तो फिर काम नहीं चलता सर। नहीं, कई बार ऐसा होता है कि अगर इच्छा शक्ति तो बहुत से लोगों में है, लेकिन वो इच्छा शक्ति को एग्जीक्यूट करने की जो क्षमता है सर, बहुत से लोगों में नहीं होती। उनके लिए टाइम चाहिए जी, बहुत अपना डिवोशन चाहिए जब भी हो पाता है। अब खाली पैसे से भी नहीं होता है, लोगों को देना भी पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं जी, जिन लोगों ने किया है। मतलब पूरी तरीके से समय और श्रम की आवश्यकता है, और समय श्रम के लिए समाज के लोग अगर आएंगे तो मुझे लगता है ऐसी बिल्डिंगें कई बन जाएंगी। बिल्कुल बन जाएंगी। और बच्चों को जो शिक्षा की आवश्यकता है वो शिक्षा की होगी तो डेफिनेटली होगा काम। विलिंगनेस ज़रूरी है। हाँ जी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं नोयो सिटी, मैं हूँ अखिलेश, और आज जो है यहाँ पर बेसिकली उद्घाटन कर दिया गया इस बिल्डिंग का। ये बिल्डिंग बनी है सत्य धर्म बोध मिशन के द्वारा, यहाँ के जितने भी पदाधिकारी हैं उन लोगों ने आकर के इस बिल्डिंग को बनाया, और बनाने के बाद आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग कैसी है। मुझे उम्मीद है कि अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो आप भी एक साथ मिल करके, लोगों के साथ मिल करके सहयोग करेंगे, और किसी और विद्यालय में, कहीं और विद्यालय में बच्चों की शिक्षा के लिए, समाज की उन्नति के लिए आप काम करेंगे। दोस्तों, ऐसे ही आप प्रोग्राम हमारा देखते रहिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।